इट्स टाइम ऑफ साइक्लोन, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दो दिन का ब्लॉक कर देते हैं. आज है 25, 26 को साइक्लोन है. आई डोंट नो आपको वॉइस आ रही कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़ोरों से हवा चल रही है. एंड अभी मैं शूट करके उठी हूँ, उसका एडिट भी बाकी है, पर सोची कि आपको दिखाती चलूँ कि क्या हो रहा है. अगर आप उड़ीसा से बाहर से हैं, देख रहे हैं, तो आपको पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ. अगर भी उड़ीसा से हैं तो अलग डिस्ट्रिक्ट से भी हो सकते हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ तो अनोखा होगा आपसे. तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग. बने रहिएगा दो दिन तक मेरे साथ, 25, 26, एंड बहुत सारा ट्विस्ट रहेगा, खाने में रहेगा, बहुत कुछ करूँगी, एक्टिविटीज़ रहेगा, तो आई होप कि इंटरेस्टिंग होने वाला है. अभी नहीं पता, फिर भी मौसम बाहर कैसा. मेरे विंडो के बाहर बहुत ज़्यादा पेड़ है और हवा चल रही है. अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, पर अभी नहीं हो रहा है. आफ्टर सूट का मेस है जो मुझे अभी क्लीन करना है, वहाँ पे भी पड़ा हुआ है सामान, यहाँ भी है, तो आई नीड टू क्लीन ऑल दिस. हवा का आवाज़ शायद आपको आ रहा होगा, बहुत स्लाइटली बारिश हो रहा है. बहुत थोड़ा थोड़ा अभी बारिश होना शुरू हुआ है, बहुत स्लाइटली, एंड हवा बहुत अच्छा चल रहा है. कब ये हवा खौफ में बदल जाएगा कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट केंद्र भी थोड़ा रेड जोन के आसपास ही है. तो लेट्स सी इस दो दिन में क्या होता है. एंड मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ. ये दो दिन आई विल बी इंक्लूडिंग मैंगो इन एवरी डिश, जो डिश में हो सकेगा, इसलिए बने रहिएगा मैंगो देखने के. तो ये रोज का कलर ऐसा हो गया क्योंकि ये दीवार में लग लग के उसका कलर इसमें आ गया है. ओ शिट, वो ठीक है. कितने क्यूट क्यूट हैं, छोटे बड़े सारे मिलके हैं, फैमिली है उनका भी. ये मैंगो जूस जो निकाला हुआ है उसमें चीनी एंड दूध मिलाई हूँ, दिखाती हूँ आपको. ऐसा दिख रहा है, चीनी और दूध अच्छे से मिला दी हूँ. लेट्स डू इट. देख सकते हैं आप कितना रिड्यूस हो गया, यहाँ पे था, यहाँ आ चुका है, मतलब रिड्यूस हो चुका है. अभी हम इसको बाउल में ट्रांसफर करेंगे. लेट्स गो. फिर इसको इसको अभी ठंडा होने के लिए 2 घंटा छोड़ देंगे. तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 हो रहा है, 2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए. फिर इसको फ्रिज में डाल के निकाल के खाएंगे. तो अभी लंच का टाइम हो रहा है, पर उससे पहले मैं बेड साफ कर देती हूँ ताकि लंच करके सीधा के मैं बेड में लेट सकूँ. अभी कंडीशन वैसा ही है, हवा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा झिपरी झिपरी बारिश हो रहा है. अभी मैं बेड साफ करती हूँ, रूम थोड़ा बहुत साफ करती हूँ, अभी भी बहुत काम बाकी है. अगर मैं रूम पूरा क्लीन करना चाहूँ तो शायद देखते हैं, शाम को अगर अच्छा लगता है तो करूँगी. अभी मूड नहीं है क्योंकि अभी मुझे लंच करना है, एंड उसके बाद आज जो वीडियो शूट की ट्यूसडे रिव्यू, वो एडिट करके आज ही शाम को डालना है, तो काम है इसलिए. एंड बारिश होगा, ठंडा लगा करके मैं फुल पैंट पहन रही थी, पर अब मुझसे नहीं हो रहा है, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है शायद, पर
गर्मी लग रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट्स में बदल दूँगी। तो शायद मैं आपसे मिलूँगी लंच करके, एडिट करके बाद, अगर बीच में बारिश होता है तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, पर मिलूँगी आपको उसके बाद ही। टाटा बाय बाय सबा खैर। खाने बैठे थे कि देख सकते हैं बारिश कितना ज़ोर से होने लगा है। तो ये बारिश को होने देते हैं और हम लोग खाना खाते हैं। लंच हो चुका है पर अभी लाइन कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है, जा रहा है आ रहा है ऐसे हो रहा है, इसीलिए लाइट सारा ऑफ है। अभी बारिश का ये हाल है कि कभी पूरा पड़ जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है, मतलब इमीडिएट हो रहा है, कभी पूरा हो रहा है, कभी फिर बहुत धीरे धीरे हो जा रहा है। इसलिए थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत करना पड़ेगा, क्योंकि कब लाइन पूरा चला जाए कुछ कह नहीं सकते। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, पर इतना ज़ोरों से अभी बारिश हो रहा है। एडिट नहीं होगा तो एडिट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लैपटॉप एक घंटे के लिए रह सकता है बैटरी में। लेट्स सी ट्यूसडे का वीडियो, ट्यूसडे आ पाता है कि नहीं। मुझे कल से कर लेना चाहिए था, पर कल मैं थोड़ा डाउन हो गई थी। आई एम सॉरी। ये वीडियो कब आएगा पता नहीं, आप वो देख चुके होंगे शायद, या शायद नहीं, आई डोंट नो। लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। बढ़ रहा है गाइस, लुक बहुत ज़ोरों से, पूरा दूर का कुछ दिख भी नहीं रहा है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा है। मैं खिड़की से आपको दिखा रही हूँ। लेट्स गो आउट, देखते हैं कितना बारिश। करंट भी नहीं है ना, इसलिए घर में एक भी लाइट नहीं जलाया है, सारा सेव कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा है। अभी बारिश पूरा बंद हो गया है, हवा भी नहीं चल रही है, अभी करंट आया है, तो मैं जल्दी जल्दी से एडिटिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। लेट्स स्टार्ट एडिटिंग। सो गाइज, अभी टाइम है 5:05 बज रहे हैं। मेरा एडिटिंग करके थंबनेल बना के वीडियो पोस्ट भी कर चुकी हूँ। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए, वो रिव्यू था प्लम्प ग्रीन टी किट का। तो अभी मैं आपको वेदर का अपडेट दे दी, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सोने वाली हूँ, टायर्ड लग रहा है। एडिटिंग के बाद हमेशा ही टायर्ड ही लगता है, तो सोऊंगी, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख देख के चल करके सोऊंगी। तो लेट्स सी वेदर कैसा है, आपको थोड़ा पता चल रहा होगा। ये देख सकते हैं काले बादल बहुत अच्छे से पूरा हमको कब्जा कर चुके हैं, जाने का निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अभी बारिश बहुत होने के बाद बंद हो चुकी है, करंट भी आ गया है, और हवा अच्छे से, थोड़ा बहुत अच्छा वाला अभी वेदर है, बहुत सही वाला वेदर है, मतलब सोने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो इसलिए हम सोने ही जाएंगे, नेटफ्लिक्स देख देख के सोने जा रही थी। ये कुछ शुरू हो गया फिर से बारिश, बहुत ज़ोरों से, हवा भी चल रही है। फिर भी मैं सोऊंगी, इसको बंद कर दूँगी। गाइस, जो वाला बनाए थे मैंगो का वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये गिरता भी नहीं है, नहीं गिरता है, पूरा सेट हो गया है, मतलब आइसक्रीम जेली जैसे लग रहा है पूरा। तो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। पूरा मैंगो का ही है, प्रोसेस तो आपको दिखाई थी। टेस्टी है, पर मैंने थोड़ा मीठा बना दिया है ज़्यादा, डिज़र्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं इतना मीठा एक बार में नहीं खा पाऊँगी। अच्छा लग रहा है, सक्सेसफुल था ये। तो वो जो मैंने दिखाया पल्प बन रहा था, तो उस ये देखो माजा बन गया है। उसमें बहुत ज़्यादा हम पानी डाल के पूरा पतला कर दिए, पूरा पतला, और ढेर सारा चीनी मिला दिए हैं, तो ये बन गया माजा। टेस्ट करते हैं, मैं नहीं टेस्ट क्यों, पर सब लोग बोल रहे हैं पूरा एग्जैक्ट माजा जैसे लग रहा है। और ये वो आम से नहीं बना जो काट के खाते हैं, उससे बना है जो डायरेक्ट हम लोग चूस के खाते हैं, जिसको हम लोग उड़िया में सूढ़ी आम्बो बोलते हैं, आपका पता नहीं मुझे।
पूरा प्रॉपर मज़ा, यस गाइस पूरा प्रॉपर मज़ा लग रहा है। दिनों बाद में मज़ा पी रही हूँ, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मस्ट ट्राई। वेदर देख सकते हैं आप। करंट है पर हवा का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हवा हो रहा है और धीरे धीरे डर भी लगने लगा है, पता नहीं क्या होगा। पर बारिश नहीं है वो अच्छी बात है, अभी तक बारिश नहीं हुई है, पर आसमान को देखने से ही डर लग रहा है। लेट्स सी, मेरा डिनर रेडी हो गया है, सैंडविच खाएंगे आज हम। तो सैंडविच है और उस वो जो आम का बना था वो भी थोड़ा सा है, तो यही मैं अभी खाऊंगी खाने के बाद। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी 11 बज रहे हैं, मतलब आसपास आफ्टरनून हो गया है एंड मेरे घर में सब कुछ बंद है, दरवाज़ा खिड़की सब कुछ, क्योंकि सुबह से हवा चल रही है एंड बारिश हो रही है। तो मैं आपको बारिश दिखाने के लिए छत पे लाई हूँ, लेट्स सी बिना भीगे कैसे देख सकते हैं। फील्ड सारा पानी से फुल है, सुबह से बारिश हो रही है और हवा भी हो रही है एंड मैं यहाँ भीग रही हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दी भी है, 23 डिग्री हो गया है, तो इसलिए मैंने क्यूट है वो जूनस भी। सुबह 3-4 बजे से करंट नहीं है, इसीलिए बहुत कम लाइट्स जल रहे हैं घर में, सेफ। मैं अभी सोच रही हूँ इस अंधेरे में करूँ तो करूँ क्या। ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहीं दिखाया आपको। मैं अभी सोच में पड़ गई हूँ इस अंधेरे में करूँ तो करूँ क्या, बुक पढ़ूँ या नेटफ्लिक्स देखूँ। शायद नेटफ्लिक्स ही देखूँ। मैं इसी पोजीशन में अभी 1-2 घंटा रहूँगी एंड नेटफ्लिक्स देखूँगी, चल करूँगी, या फिर नींद लगेगा तो सो जाऊँगी। मौसम कितना अच्छा है, बट उड़ीसा में बहुत जगह में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है अब तक। बालेश्वर में 2 दिन हो गया करंट नहीं है, अभी लैंडफॉल भी 9:30 बजे कर चुका है साइक्लोन एंड 3 बजे तक उसका असर रहेगा। तो होप कि किसी का डेथ ना हो, ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस ना हो, होप सो। बट हम तो ऐसे रहेंगे एंड नेटफ्लिक्स देखेंगे, ठीक है। नेटफ्लिक्स में अभी मैं अभी मूवीज़ देख रही हूँ एक दो घंटे का, तो अभी शायद मैं अराइवल देखूँगी एंड फिर आपको देखने के बाद बताऊँगी कि कैसा था करके, ठीक है। एंड आई नो आई एम लुकिंग क्यूट, थैंक यू, नज़र ना लगो जाऊँ तो ठीक है। मैं नेटफ्लिक्स में अराइवल देखने के बाद आपको मिलती हूँ। देख सकते हैं पूरा पानी हो चुका है सारा फील्ड, हवा जोरों से नहीं है पर बारिश कंटिन्यू हो रहा है। लंच ख़त्म हो चुका है, मैं लंच करके
यूटेंसिल साफ करके छत पे गई थी आपको दिखाने के लिए, तो देखिए आप अभी मैं रूम में हूँ, आपसे बात करने के लिए मुझे खिड़की खोलना पड़ रहा है क्योंकि एक तो प्रॉब्लम है खोलने से सर्दी लग रहा है एंड दूसरी बात कि थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है अंदर, ज़्यादा नहीं आ रहा है। वाटर में सबसे कम लाइट चल रहा है, अभी तो लाइट पूरा बंद है क्योंकि अब सब खा चुके हैं तो अपने अपने रूम में रेस्ट करेंगे। फ़ैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, बस ज़रूरत है तो फ़ोन एंड चार्जर, बस इतना ही एंड कुछ नहीं। और पीछे पूरा हमारा घर जो है आसपास खाली फील्ड ही फील्ड है, तो सारा फील्ड पानी में भर चुका है पूरा। एंड अच्छी बात ये है कि ज़्यादा हवा नहीं है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है, फिंगर क्रॉस। गाइस अभी मैं देख रही थी, आपको बोली थी अराइवल देखूंगी घर के नेटफ्लिक्स में, तो अराइवल देख रही थी मैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया अराइवल, आई लव इट। आपको आपको अगर एलियंस मूवीज़ में इंटरेस्ट है, एलियन टाइप के कुछ भी, तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत शॉर्ट, मतलब टू दी पॉइंट मूवी है, ऐसे बहुत एग्जैजरेट नहीं किया है, ठीक ठाक है। एंड अभी हवा थोड़ा तेज़ हो रहा है तो आई रिकमेंड, अगर आप देखना चाहते हो तो अराइवल आप देख सकते हो। थोड़ा हवा हो रहा है, आपको मेंढक की आवाज आ रही है, कट रखे कट रखे कट। क्या बनाएंगे अभी, क्या करेंगे, कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का, कुछ भी नहीं। और बर्तन धोने के बाद तो पानी इतना ठंडा आ रहा था कि ओह माय गॉड। तो देख सकते हैं मैं अपना चोटी बनाई हूँ, धीरे धीरे मेरा ये जो चोटी है ये बड़ा हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आई एम लविंग माई स्मॉल हेयर, छोटा हेयर, तो ये बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। पहले जब मैं काटती थी तो इतना होता था, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। स्किन मेरा थोड़ा डल लग रहा है। मैं फ़ोन कहाँ पे ही थोड़ी रखी हूँ, आपको पता लगेगा कि फ़ोन में कहाँ रखी हूँ, हंस हंस के मर जाओगे, फिर भी रखना पड़ता है। चुप रहो मेंढक, कहें कपड़ा कहें कपड़ा करते रहते। आप सही लग रहा है। क्या सोच रहे हो, क्या किया जाए, क्या किया जाए, इतना लाइट में मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होगा। बुक्स क्यों कि हम चश्मे वाले हैं, ज़्यादा डिम लाइट में पढ़ते हैं तो हमें दर्द होता है, तो एक ही चीज़ कर सकते हैं कि नेटफ्लिक्स में और एक मूवी तो मैं हाँ वही करती हूँ, और एक मूवी देख के फिर आपको बताती हूँ कि वो कैसा लगा। तो ऐसे में आपको दो मूवीज़ का रिव्यू इसी में मिल जाएगा। वाओ, आई एम सो इंटेलिजेंट। आपसे लास्ट 1:30 में मिली थी, अभी 5 बज रहे हैं, पर बाहर का मौसम पूरा एग्जैक्ट है वैसा जैसे सुबह लग रहा था, मतलब कोई चेंजेस नहीं, बस कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, कंटिन्यूस हवा चल रही है। एंड अभी मैं इंटरस्टेलर देखी नेटफ्लिक्स में, बहुत सही मूवी है, अगर आपको स्पेस पसंद है बहुत सही मूवी है इंटरस्टेलर, बहुत ही मज़ा आया, मतलब डायमेंशन स्पेस सबको मिला के एक बहुत तगड़ा मूवी है, यू मस्ट वॉच इट। एंड पहले ये वॉच करो कि यहाँ हो क्या रहा है, लेट मी शो यू। मैं दिखाई थी कि वहाँ पानी भर चुका है, अब वहाँ नहीं, हमारे पूरे पीछे वाला जगह में भी पानी भर चुका है, मतलब धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर होते जा रहा है, आप देख सकते हैं। पहले वो उस बाउंड्री के उस पार था पानी, पर अब इधर भी पूरा फुल हो चुका है। और पापा रोड तक गए थे, बोल रहे हैं रोड में पूरा पानी चल रहा है, मतलब नी के आसपास पानी, एंड हवा ऐसे लगा है, यू कैन सी अचानक से जैसे बढ़ जाता है। एंड ये मेंढक तो चुप ही नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं। एंड फील्ड सारे फुल हैं। ये है करंट स्टेटस, तो अभी मेरा मन है चाय बनाने का, तो लेट्स मेक चाय। घर पूरा अंधेरा है क्योंकि करंट अभी तक नहीं आया है। फिक्स टू माई ट्राइपॉड, ओके लेट्स गो मेक सम टी। पूरा अंधेरा है, आप देख सकते हैं घर में कहीं पे भी आपको लाइट नहीं दिखेगा, बस खिड़कियां ऐसे थोड़ी थोड़ी खुली हुई है,
जिससे हम थोड़ा इधर उधर, और अंधेरा हो जाएगा तो पता नहीं, शायद घर में एक लाइट चलेगा, पता नहीं करंट कब आएगा इसीलिए ही। एंड लेट्स मेक सम टी। धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि शाम हो रहा है। एंड आई हैव माई कप ऑफ टी, अदरक वाली चाय की बात ही कुछ अलग है। अभी आलू चॉप की बारी है तो वहाँ मैं ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहती, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको बहुत क्विकली प्रोसेस दिखा दूंगी कि किसमें किसके बाद क्या डलता है और कैसे होता है, बस उतना ही। ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए बस क्विकली मैं एक प्रोसेस दिखा दूंगी कि कैसे बनता है। बस चलो गाइज़, अभी मेरा वही डिनर हो चुका है पूरा, वही मैं सेव और आलू चॉप, उसको वही हमारा बेस्ट डिनर था। तो डिनर हो चुका है और मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं, अगर भूख लगती है मैंगो शेक है वो जो पल पला वो निकाल के मैं पी लूँगी। अपडेट कि अभी बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गया है, बहुत ज़्यादा ही, एंड हवा बीच बीच में बहुत ज़ोरों से चल रहा है, एंड करेंट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इन्वर्टर हमारा चार्ज शायद ख़त्म हो रहा है, इसीलिए सारा बंद हो जाएगा। एंड अभी से शायद मैं कम ही वीडियो शूट कर पाऊँ क्योंकि अभी सेव करना ज़रूरी है, तो मैं या फिर पूरा फ्लाइट मोड ऑन करके कुछ डाउनलोड करके देखूँगी या फिर ऐसा कुछ। अभी मैं थोड़ा ड्रेस चेंज कर ली थोड़ा सा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, उस सब बनाने कुकिंग वुकिंग के टाइम में पसीना आ गया। एंड अभी शायद वही मैं मूवी वूवी कुछ देखूँगी, लाइट ऑफ कर दूंगी, लाइट ऑन नहीं करूंगी, फिर अगर कुछ होता है तो अपडेट दूंगी, वरना फिर हम कल मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, लाइट दी हूँ बस आपके लिए पर करंट नहीं है, सुबह के 11 बज रहे हैं, पर मैं अभी आपको रोड दिखाने ले जाऊँगी कि पानी कितना ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे। और बहुत ज़ोर से हवा भी चल रही है, तो मैं आपको फ्रेश होके फिर मिलती हूँ और हुडी डाल के क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। फिलहाल कहते फूल ही जाए तो हो नहीं गया। सही पड़े देखा पानी।